जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये रामनवमी वाले दिन का एक क्लिप है। ये बारिश हुई थी ना, ओले पड़े थे बहुत तेज़ वाले। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 5:05 शाम के, और आज वही रामनवमी वाला दिन है। तो अभी बारिश आपके यहाँ पे भी, पता नहीं किस किस के यहाँ पे इतनी तेज आई है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ मैं तो सो रही थी, दवाई खा के सो गई थी, तो मम्मी बता रही थी बहुत तेज बारिश आई थी, वहाँ तक ओले आए थे। काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, अभी फ़िलहाल शांत हो गई है बारिश, बहुत तेज़ वाली आई थी मम्मी बता रही थी। तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, इसलिए मैं तैयार हुई। बहुत ओले भी गिरे थे, कह रहे थे गिरे होंगे ओले, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ लग रही है, एकदम सारे में गीला गीला हो रहा है। तो बारिश आई थी बहुत तेज, और अभी मैंने ना चाय बनाई है। ये यहाँ पे भी पानी आ गया पूरा, हमारे यहाँ तक आ गया पूरा। और ये ना कबूतरों ने ना इकट्ठा कर दिया ये कूड़ा ला ला के ना, ये भी तो कबूतर ऊपर बैठी है, ऊपर एक कबूतरी ये दिख रही होगी इसमें, ये पता नहीं शायद कबूतरी बच्चा होने वाला है या फिर कुछ, तो इसलिए वो इकट्ठा कर दिए। पर इस पर टिकता नहीं है ना, शीशे पे सारा गिर जाता है नीचे, तो ये सारा नीचे गिर गया है इसलिए। और यहाँ पे पानी पानी हो रहा है, फिर चाय बन गई है। चलिए चाय डाल दी, चाय पी लेती हूँ और सोच के थोड़ी सी प्रीति प्राप्त करनी होगी, क्योंकि प्रीति तो दैन्य को प्राप्त होती है। मैं टीवी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने जब वही 10-11 करीब मैंने 2 पूरियाँ खाई थी, अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो कुछ खा भी लेती हूँ। सब्जी मैंने बनाई थी, पर मैंने सब्जी से पूरी नहीं खाई थी, सुबह छोले से 2 पूरियाँ खा ली थी दवाई की वजह से। लेकिन अब थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ा मन कर रहा है खाने का, तो खाना खाती हूँ, फिर दवाई भी खाऊँगी शाम वाली। चलिए चाय पी लेती हूँ। आपसे बात करने के बाद फिर मैं मतलब चाय अपनी डाली मैंने, और सब्ज़ी गरम करी, और ये पूरी मैंने तवे पे सेकी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुंह ख़राब हो रहा है, तो ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, और गले में दर्द है, तो इसलिए दो पूरियां करके खा रही हूँ। दो सुबह खाई थी, फिर 2 अभी शाम के टाइम चाय के वक्त मुझे भूख लगी इसलिए खा ली थी, फिर 2 मैंने रात को खाई, ऐसे खाना खा रही थी क्योंकि गले में इतना दर्द हो रहा था मुझे। यहाँ लाइट ऑन है, ऑफ़ कर देंगे। और ये देखो यहाँ पे ना हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ये हमारी नेट है ना बहुत उड़, अब तो मैंने जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो नेट ये वो हो गई, वरना इतनी तेज़ जो ये देखो अभी भी उड़ रही है, कितनी तेज़। और सामने आपने देखा होगा झंडा, देखो बहुत तेज़ उड़ रहा है ये, देखो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मैं वही दिखा रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी उस दिन। और ओले भी पड़े थे, आपको पता है ना, छोटे छोटे पड़े थे, ज़्यादा बड़े नहीं पर पड़े थे ओले। और ये है आज क्या है, शनिवार। हाँ, आज का क्लिप है ये, तब से मैंने कल कोई वीडियो ही नहीं बनाया मैंने ना, ब्लॉग मैंने अपना कोई मतलब डाला कल, इसलिए। और आज भी लेट डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और ऊपर से उन्नति फ़ोन ले लेती है, तो इसलिए और दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ मेरे ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम भी ख़राब चल रहा था, उस चक्कर में कपड़े भी नहीं धुल पाए, तो फिर वही कपड़े में आ धो रही, आज धूप भी निकल गई है। लेकिन अब शाम के टाइम जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम बादल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, शाम को ही हो जाते हैं बादल, पता नहीं क्या होता है, शाम को मौसम ख़राब हो जाता है, पर कोई नहीं। और यहाँ मेरे कपड़े ना ये 2 राउंड के शायद धुल, 1 राउंड के मैं डाल के आ गई हूँ, और ये दूसरा राउंड है वो धुल गए हैं, ये भी वॉश हो गए, इनको लेके जा रही बेडशीट में। ये वाली बेडशीट ना हमारी वैसी है, मतलब इसको ना हम मशीन के ऊपर डाल के रखते हैं, और इसी में मैं ना कपड़े ले जाती हूँ, क्योंकि बाल्टी वाल्टी मैं नहीं ले जाती, इसमें यह पोटली सी बनाओ और डाल दो, क्योंकि सूख पानी तो सारा इनका ड्रेन हो ही जाता है, बस ड्राई थोड़ी सी हवा लगाने की देर होती है इनमें बस। तो यहाँ मैं सारे इनके जो पैंट वगैरह है ना सारी इनकी, तो उनको उल्टा करके सुखाऊंगी, क्योंकि जो पैंट के जो उसमें जेब होती है ना, वो कपड़े होते हैं वो गीले रह जाते हैं, उनकी वजह से फिर पैंट भी बहुत देर में सीखती है, इसलिए उल्टी करके सुखाओ तो जल्दी सूख जाती है।
तो यहाँ सारे ऐसे कपड़े डाल दूँगी, सारी रस्सी भर गई थी हमारी कपड़ों से, तो इसलिए क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे हमारे कपड़े, तो यहाँ डाल दूँगी सारे तो जी, करके। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम तो मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा पर मेरे ख्याल से 10 बज रहे होंगे या 10:30, और मैं छत पे आई हुई हूँ। अभी आपने देखा ना इतने सारे कपड़े बहुत सारे हो गए थे मेरे, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और दूसरी बात मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी 3 दिन से, पूछो मत, बुखार में तप रही थी, तो इसलिए और कपड़े हो गए इतने। कल धो भी लेती थी फिर कल इसलिए नहीं धो पाई, बारिश हो गई थी तो फिर, और आज भी बादल हो रहे हैं काले काले थे, लेकिन अभी धूप आ रही है तो इसलिए ये सारी रस्सी भर रही है, वो पूरी रस्सी भर रही है, सारे मतलब कपड़े ही कपड़े हैं। अभी भी ना मतलब बेडशीट रह रही है, 3 बेडशीट हैं, उन्हें तो नहीं सुसु में सारी गंदी कर दी, सुबह डायपर नहीं पहनाया था रात को इसलिए, तो वो बेडशीट भी धो दिए, उनको भी देखो डालूँगी कहीं एडजस्ट करके सूख जाएंगी, तो बस और जाती हूँ। और आज है दिन शनिवार और आज काशी भी है, मम्मी नहा ली हैं तो जाती हूँ, बस मुझे पोछा लगाना है नीचे, मम्मी नहा ली हैं, फिर मम्मी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं फिर नहा के फिर मैं भी अपना मतलब नाश्ता वगैरह करूँगी, और लड्डू गोपाल जी को भी नाश्ता वगैरह दूँगी पहले, फिर उनको देने के बाद फिर मैं भी खा पी के फिर दवाई देखती, दवाई तो वैसे अब मेरी है नहीं, ख़त्म हो गई और अब ठीक है, वैसे तो हल्की सी खराश है वो भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए जाती हूँ नीचे, कपड़े धो लेती हूँ, धुल गए, बस बेडशीट है वो निकाल के यहाँ डाल के जाती हूँ, और झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू तो लगा चुके हैं। चलिए मिलते हैं बाद में, बाय। और हाँ मेरा ना पिछले ब्लॉग के मतलब सॉरी पिछले कुछ एक दो दिन के वीडियो होंगे ना, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी कल, क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं गया था तबीयत की वजह से, तबीयत ख़राब चल रही है मेरी इसलिए कल नहीं गया था, तो इसी ब्लॉग में वो वाले जो मेरी क्लिप है ना वीडियो, इसी में ज्वाइन कर दूँगी। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय। और ये मेरा सारा काम हो गया, मैंने पोछा वगैरह मतलब पोछा झाड़ू कर दिया, ये देखो इतने दीवारें देखना कैसे कर रही है, ये पूरा दिखा रही हूँ मैं आपको, हल्दी ये मैंने हल्दी लगाई थी सारे में के ताकि ये ना खाए, लेकिन ये फिर भी नहीं मानती है, देखो ये ऐसे निकालेगी, ये देखो ये मुँह भी देख रहे हो उसका सन रहा है, ये मानती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत डांटते हैं बहुत ज़्यादा, मिट्टी ना खाए फिर भी बहुत मानते नहीं है। और यहाँ पे मम्मी अपनी पूजा कर रही है, एकादशी है क्योंकि एकादशी की पूजा कर रही है मम्मी अपनी, हो गई है बस आरती वगैरह कर रही है तो बस, और उसके बाद मैं अपना चाय नाश्ता बनाऊँगी। ये मैंने चाय बना लिया, चाय नाश्ता बना लिया, तब तो मम्मी अभी मम्मी हाँ मम्मी ने पूजा वूजा कर ली, उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, मैंने बिस्किट ले लिए चाय के साथ तो बस, और उन्नति को दूध दे दूँगी। और इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये व्लॉग मुझे पता है छोटा है पर कोई नहीं, पर जैसा भी है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।